और ये आज 25 मई को SSC 10+2 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर बाहर आ गए, अभी इनसे जानेंगे। एक मिनट भैया, कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन किए? 82। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? पहला। एक मिनट रुकिए तो सही था। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। चार पोर्शन आए थे ओवरऑल? हाँ चार आए थे। कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा एजी? मैथ वाला थोड़ा टफ नहीं था, लेकिन टाइम ले रहा था, थोड़ा लेंदी था थोड़ा, बस बाकी पोर्शन बाकी सब सही थे। तो सारे क्वेश्चन देख लिए 100? हाँ देख लिए, सारे देख लिए थे। 60 मिनट सारे। और एक मिनट भैया, कैसा हुआ एग्जाम? ठीक हुआ एग्जाम। कितने क्वेश्चन किए? 71। 71। सारे क्वेश्चन देख लिए 100 की नहीं? हाँ, देख लिए। तो ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न कैसा लगा, कैसा लेवल लगा? अच्छा लेवल, बढ़िया था। कौन सा अटेम्प्ट है आपका, मतलब 10+2 की कौन सी परीक्षा इससे पहले दी थी कभी या पहली बार दे रहे हो? तो दूसरी बार। एक मिनट भैया, कैसा हुआ एग्जाम? सर बहुत बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन किए? 90+ करे थे। कौन सा अटेम्प्ट है आप? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। इससे पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सेकंड दे गया, क्या मतलब? पहले से तो काफ़ी सही क्वेश्चन आए हैं इस बार के, इतना हाई लेवल भी नहीं था। अगर बच्चा ढंग से प्रिपेयर करके जाए तो बिल्कुल अच्छे से कर सकता है। हाँ जी, कौन सा पोर्शन अप हुआ, कौन सा डाउन हुआ? इस बार जो GK थी वो काफ़ी नॉर्मल आई है इस बार पहले के मुकाबले। पहले काफ़ी अलग GK आई थी, इस बार की काफ़ी अच्छी आई। करंट अफेयर्स कम आए थे इसमें, नॉलेज के बारे में जो हमारी अभी लेटेस्ट में हुई है वो ज़्यादा आई थी। इंग्लिश का लेवल भी बेसिक था, बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल आसान, कोई ना पढ़ के जा तो भी थोड़ा बहुत कर लेगा। एग्जाम का लेवल क्या था? बिल्कुल नॉर्मल बेसिक लेवल था, कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता, एकदम अच्छा लेवल। कैसा हुआ भैया एग्जाम? इनका था। कैसा हुआ? हिंदी हुआ एग्जाम का। एग्जाम अरे ना भाई, हैं कैसा हुआ? बढ़िया हुआ एग्जाम। कितने क्वेश्चन किए आपने? 65। कौन सा अटेम्प्ट है आपका, 10+2 का कौन सा अटेम्प्ट है? पहला। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा पेपर का पैटर्न? अच्छा था, ठीक था। तैयारी की थी थोड़ी बहुत? ऑनलाइन की थी, ऑफलाइन? ऑनलाइन। जब ऑनलाइन की थी तो जहाँ से पढ़े थे कुछ आया सिलेबस? हाँ था, था। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ। सारे देख लिए या छूट गए? नहीं छूट गए थे। कितने छूट गए? लगभग 25 के आसपास। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखे जा रहे हैं? अगली बार से बेटर रहे। और भी कैंडिडेट हैं, कैसा हुआ? एक मिनट मैम, अरे कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने किए 70 क्वेश्चन। कौन सा अटेम्प्ट है आपका 10+2 का? हैं? इससे पहले दिया है ये एग्जाम या पहली बार? नहीं, वाला तो पहली बार दिया है। तैयारी की थी? हाँ सही थी तैयारी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। ऑनलाइन की थी, ऑफलाइन? ऑनलाइन। तो जहाँ से तैयारी की थी उसमें से कुछ आया पेपर में? हाँ रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन भी आए थे? हाँ एक दो आए थे। तो पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? सही था। कैसा हुआ भैया? मेरा तो अच्छा गया। कितने क्वेश्चन किए? मैंने किए 78। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। इससे पहले आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, अभी सेकंड दे गया है, कितना बदलाव दिखा इस बार? मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसको अच्छा नहीं कर पाया, इस बार मैंने थोड़ा अच्छा किया है। और मुझे मैथ और थोड़ा रीजनिंग थोड़ा सिंपल लगी पिछली बार से। करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 4-5 क्वेश्चन, और स्टैटिक GK उसका पोर्शन ज़्यादा है, और तो नॉर्मल है पेपर। रीजनिंग भी सिंपल थी, ज़्यादा मॉडरेट लेवल मानो इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश का लेवल कैसा? मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। तो सारे क्वेश्चन देख लिए 100? हाँ। छूट गए? नहीं छूट गए। कैसा हुआ भैया? बढ़िया गया था भैया। कितने क्वेश्चन किए आपने? लगभग 75। 70। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट टाइम। पहली बार। तैयारी की थी? हाँ तैयारी। ऑनलाइन की थी, ऑफलाइन? ऑनलाइन की थी और सेल्फ स्टडी। तो जहाँ से ऑनलाइन तैयारी की थी आपने, हाँ। उसमें से कुछ आया एग्जाम? हाँ आया है। कितना, कितने परसेंटेज आया? करीब 30-40% आया था। क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जाम, कैसा लेवल लगा आपको? लेवल इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग में इजी क्वेश्चन थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे मैथ में भी, और स्टैटिक GK भी थोड़ी बहुत सही थी। मैथ का लेवल कैसा लगा आपको? मैथ का भी सही था। इंग्लिश तो इंग्लिश भी सही थी। अच्छा तो ओवरऑल 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं? यस। सारे क्वेश्चन देख लिए आपने? हाँ देख लिए। 100 पूरे? क्या कहना चाहोगे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन इस बारे में, क्या कहना चाहोगे? थोड़ा टफ ही था, लेकिन करना पड़ता है, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, अब जाके आता है। आपने लगाई थी? लगाई थी। कितने क्वेश्चन थी? करीब 75-80 किए थे। कुछ क्वेश्चन याद है? नहीं ये इतना याद नहीं है, कैलकुलेटिव थे ना।
ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।